आया ना जवाब देना, आया ना जवाब देना, आया ना जवाब देना। रेवाड़ी नई अनाज मंडी में सफाई से लेकर तमाम मुद्दों पर मार्केट कमेटी सचिव को मुख्य प्रशासक की कड़ी फटकार। बोले आपके काम से नहीं हो खुश, बदहाल सफाई व्यवस्था पर मांगा स्पष्टीकरण। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, शनिवार को हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी बोर्ड के मुख्य प्रशासक IAS सुजान सिंह बाजरा खरीद की तैयारियों को लेकर निरीक्षण करने पहुँचे थे रेवाड़ी। सफाई व्यवस्था पर फटकार लगाते हुए बोले, सरकार इतना पैसा खर्च करती है तो आखिर क्यों नहीं है सफाई? मंडी से निकलने वाला कचरा कहां पड़ता है, मार्केट कमेटी सचिव नहीं दे सके जवाब। मुख्य प्रशासक ने मांगा स्पष्टीकरण, बोले होगी कार्रवाई। निरीक्षण करने से पहले रेवाड़ी से कोसली मार्केट कमेटी अधिकारियों के साथ की बैठक, बोले 17 जिलों की 86 मंडी में होगी बाजरे की खरीद। मूंग की खरीद के लिए 16 जिलों में बनाई गई 38 मंडियां, 20 सितंबर तक कर ली जाएंगी तैयारियां पूरी। बोले अटल कैंटीन के माध्यम से किसानों को दी जा रही है भोजन की सुविधा, इस बार खरीद के दौरान 15 अटल कैंटीन बढ़ाई जाएंगी। प्रदेश में अटल कैंटीन की संख्या 40 हो जाएगी। नई अनाज मंडी व्यापार मंडल की ओर से सफाई से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर मुख्य प्रशासक को दी गई शिकायत। प्रशासक बोले 3 दिन में सुधार नहीं हुआ तो की जाएगी कड़ी कार्रवाई। सर आज रेवाड़ी पहुंचे हैं, अभी आपने मीटिंग भी ली है, क्या रहा एजेंडा, क्या था आज का? आज का जो मुख्य एजेंडा है, आपको पता है अभी आपका सीजन आ रहा है, प्रोक्योरमेंट सीजन आ रहा है, तो यहाँ भी बहुत फसलें आती हैं, बाजरा है, कॉटन है और आपका पैडी भी है। इस तरह पूरे स्टेट में अब पैडी का सीज़न आ रहा है, इस जो हमारा क्षेत्र है इसमें बाजरे का है सीज़न, तो जिस तरह हर बार करते हैं और थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है प्रोक्योरमेंट सीज़न हर बार, तो ये था कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हमने किसान को उपलब्ध करानी है, जो मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि किसान को कोई परेशानी ना हो और आढ़तियों को कोई परेशान ना हो, तो उससे पहले हम जैसे इलेक्शन की तैयारी करते हैं वो तैयारी कर लें। मेनली उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें जो देना है, उसकी गाड़ी सही रोड्स पे आ सके, पानी की व्यवस्था हो, उनको बैठने की व्यवस्था हो, अटल कैंटीन हमने 25 चला रखी हैं, अगर वो यहाँ है तो उसको फंक्शनल कराएँ, 15 हम उसमें और ज़्यादा इस बार इस सीज़न में चला देंगे। तो बेसिक एजेंडा ये था, जो मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं मंडी में किसान के लिए, रास्ते की, पानी की, गेट्स की, कैमराज की, ताकि मार्केट की इवेजन ना हो, तो वो मुख्य मुद्दा था। और उसके साथ साथ जो CM अनाउंसमेंट्स हैं, बजट अनाउंसमेंट्स हैं, आपकी CM विंडो पे हमारी कुछ अगर कोई पेंडेंसी है, और भी कोई व्यापारियों की समस्या है अगर कोई मिलने आते हैं, और हमारे स्टाफ की कोई इशू है, स्टाफ का की कमी है, या प्रोक्योरमेंट सीजन में क्योंकि 24 आवर काम चलता है तो हम उसमें एक इनको रिलैक्सेशन देते हैं अपने स्टाफ लगाने के लिए, वो शायद इनको हम एक दो दिन में भेज देंगे। तो इस तरह की एक प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग थी। टारगेट सीजन की बात कुछ इस तरह का, क्योंकि ओपन मार्केट में अभी बिक भी रहा है, ओपन मार्केट में अभी आ भी रहा है, लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं पिछली बार भी जब भी प्रोक्योरमेंट सीजन आता है तो गवर्नमेंट पूरे स्टेट एज ए होल का एक डाटा लेके अभी कब तक फसल आने की उम्मीद है एक डेट डिसाइड करती है, तो जैसे ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो हम गवर्नमेंट खरीद शुरू कर देंगे। तो सर अभी कुछ खामियां जिस तरह से हम यहाँ पे सुधार करें, कुछ अभी निर्देश दिए होंगे आप लोगों ने, क्या मुख्य यही आई, जैसे अभी आपके सामने ये व्यापार मंडल भी आया हुआ था, तो जो इंटरनल रोड्स हैं उनमें कोई दिक्कत है, आपके जो फड़ हैं उनमें पैचेस का काम होना है, एक गेट की समस्या थी, वो गेट आज एक आपका तैयार हो गया है, आपने देखा हो तो जैसे वो गेट तैयार हो जाएगा उसमें इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमराज हो जाएंगे, और जो भी अब निर्देश ये दिए गए भी जो आपकी पानी है, सीवरेज व्यवस्था है, टॉयलेट्स की आपकी इनकी सफाई है जो मेल फीमेल के लिए, अगर वो नहीं है तो और अभी समय है आप कंस्ट्रक्ट कर दें सफिशेंट नंबर के टॉयलेट्स, तो इन चीज़ों पे हमने स्ट्रेस किया। सर कुछ व्यापारी भी आए थे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मसला कुछ था? हाँ, उन्होंने कहा कि उनकी कोई 40-1 फाइलें कंप्लीशन की अटकी पड़ी हैं, जैसे रेवाड़ी मंडी की जहाँ तक बात है, लेकिन विवादों का समाधान एक
स्कीम मंत्री मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी, अब वो अगस्त तक थी, तो उसमें शायद इनके 250 थे टोटल, तो उसमें से 200 करीब का सेटलमेंट हो गया, 40 एक फाइलें रह गई हैं किस वजह से, तो ये कहीं और भी ये पेंडिंग है मामला, तो ये शायद व्यापार मंडल के माध्यम से ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिले होंगे, तो सीएम साहब के पास भी ये मैटर है और शायद उम्मीद है कि हमने भी लिख के भेजा है, अब ये स्कीम का एक बार और मौका दिया जाए, तो जैसे ही इसको मंथन हो रहा है सरकार में, क्योंकि ऐसे इस तरह के जो विवाद हैं बहुत पुराने विवाद हैं, तो उसमें हमें कोई चीज़ कंडीशंस की फ्लेक्सिबिलिटी करके ही सेटलमेंट करना होता है, तो वो शायद दोबारा उम्मीद है हमें आने की, तो उसमें इन चीज़ों का समाधान कर लिया जाएगा। सर, आप प्रदेश की तमाम मंडियों में देखा होगा, जा भी रहे हैं, रेवाड़ी की मंडी के बाद सफाई व्यवस्था एक बड़ा मसला है, आप भी देख सकते हैं, निरीक्षण करो तो देखा जा सकता है, तमाम दावे होते हैं, आखिर सफाई व्यवस्था सुधरती क्यों नहीं सर? ये अभी आपने देखा होगा, दो दिन पहले मैं तरावड़ी मंडी में भी गया था, वहाँ भी जैसे तो सफाई वास्तव में एक हमारा इशू है, उसी पे हमने चर्चा की है, जब हमने हर मंडी में सफाई का कॉन्ट्रैक्टर दे रखा है, हम इतना पैसा उसको महीना बेसिस पे देते हैं, तो टेंडर में हमारे इंस्ट्रक्शन होती हैं या वो कंडीशन है कि आपको मिनिमम इतने आदमी आपको देने हैं इतने घंटे के लिए, तो सफाई अच्छी होनी चाहिए, तो उस पर चर्चा हुई है कहाँ कमी है क्या नहीं है, अगर उसमें वो कंपनी जिसको टेका आपने दे रखा है अगर वो मैंडेटरी प्रोविज़न पूरा नहीं कर रही है या उतने आदमी आपको नहीं लगा रही है और आप उसकी पेमेंट किए जा रहे हैं, तो उसके हम उस पर संज्ञान ले रहे हैं, तो अगर कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है ऑफिस के, तो जो कंसर्न अधिकारी है या कर्मचारी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इसकी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, आप चेंज देखेंगे अगले एक दो दिन। सर लास्ट क्वेश्चन, हमने कुछ दिनों पहले खबर दिखाई गंदगी को लेकर, हमने आके मुझे मार्केट कमेटी सचिव उनको भी कहा, लेकिन शायद उनको सब दिखती नहीं, क्या इशू है, कुछ ना कुछ नहीं, आप फर्क देखेंगे, अब आप दो तीन दिन बाद फर्क देखेंगे। थैंक यू।